हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री घोटाले के बाद अब एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है और इस सॉफ्टवेयर के जरिए अब पूरा कामकाज किया जा रहा है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि शहरवासी जो हैं वो अपने मकान या जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए आएंगे और उसे पहले डोर टू डोर कूड़ा उठाने का चार्ज देना होगा। इतना ही नहीं, अगर ये चार्ज नहीं दिया जाता तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। दरअसल फतेहाबाद में 2017 में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू किया गया था और इस कूड़े को उठाने के लिए नगर परिषद की तरफ से एक राशि तय की गई, लेकिन राशि भरने वालों की संख्या केवल 20% ही है। इसीलिए नया सॉफ्टवेयर लागू किया गया। इसके अलावा रजिस्ट्री करवाने के लिए शहरवासियों को सबसे पहले सफाई ब्रांच से एनओसी लेनी होगी। अगर उसका चार्ज बकाया रहा तो एनओसी नहीं दी जाएगी। साथ ही सभी धर्मशाला, गुरुद्वारा, मंदिर, स्पोर्ट्स क्लब से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा। अब जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल नया आया है। उसके तहत यदि किसी ने म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल के किसी भी तरह के चार्जेस नहीं दिए तो वो जब तक चार्जेस वहां से क्लियर नहीं होंगे, एनओसी नहीं उनकी एक तरह से जीरो ड्यूज की इशू होगी, तब तक वो चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा और रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो कमेटी के किसी भी तरह के चार्जेस हैं, कृपया वो लोग अपने खाते में जरूर जमा कराएं ताकि जब भी उनको रजिस्ट्री और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट तहसील में कराने पड़ते हैं रजिस्टर, तो उसके लिए किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, प्रोविजन रखा गया है सरकार द्वारा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराएगा तो उसमें जितने भी ड्यूज हैं जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा।